हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बात कश्मीर के क्रांतिकारी सम्मेलन की। जम्मू कश्मीर में पहली बार इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एक मंच पर जुटे। मौका था कट्टरता के खिलाफ सम्मेलन का। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन सेंटर में कई बड़े मौलाना और मुफ्ती जुटे। मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची और जिस कश्मीर से अक्सर पत्थरबाजी और आतंकी खबरें आती थी, वहां बदलाव की ये नई बयार दिखी। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे। मनोज सिन्हा ने साफ कह दिया कि अब कश्मीर बदल चुका है। देखिए न्यू कश्मीर की ये नई तस्वीर। शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अंदर ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये कई मायनों में बहुत खास है। खास इसलिए कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कश्मीर में मुस्लिम धर्मगुरु इकट्ठा हुए हैं श्रीनगर में, और वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ। और आप देख सकते हैं कि हॉल किस प्रकार से खचाखच भरा हुआ है, और न सिर्फ इस हॉल में बल्कि इसके साथ जो दूसरा हॉल है वहाँ भी बहुत सारे युवाओं को बैठाया गया है। संदेश साफ है, कश्मीर बदल रहा है और नया कश्मीर अमन और शांति का पैगाम दे रहा है पूरी देश को, पूरी दुनिया को। इस सम्मेलन में कई बड़े मौलाना और मुफ्ती पहुंचे थे। इंडिया टीवी से खास बातचीत में इन मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बताया कि कश्मीर में बदलाव हो रहा है। युवा अब पत्थर की जगह कलम उठा रहे हैं। आने वाले दिन युवाओं के लिए बेहतर होने वाले हैं। इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है और तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ इकट्ठा इन लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम मिसबाही मेरा नाम है। साहब, इस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है, क्या मतलब? इस कॉन्फ्रेंस का मकसद या हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है कि इस्लाम के लिए जो आपने अभी शब्द बोला ना कट्टरता, ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम के साथ इसको जोड़ा गया है, बल्कि मैं एक मुसलमान होकर इस्लाम ही की नहीं सारे मजहबों की ये वकालत करूँगा कि दुनिया का कोई भी मजहब, कोई भी धर्म हमें दहशतगर्दी या लोगों का कत्ल वगारत इसका दर्स नहीं देता है। आज हम यही बताने आए हैं कि इस्लाम अमन व आस्ती का एक आलमी मजहब है और आलमी इसका पैगाम है अमन सलामती का, वो हम आज लोगों को बताएं। पाकिस्तान इसे का सहारा लेकर पूरा प्रोपेगेंडा फैलाता है, हमारे घाटी के युवकों को भड़काने की कोशिश करता है, वायलेंस में निकलता है। सच्चा मुसलमान वो है जिससे दूसरे की जानें भी महफूज रहें, दूसरे का माल भी महफूज रहे, खा वो मुसलमान हो या मुसलमान के अलावा दिगर मजाहिब के लोग हों। सबके अदब एहतराम, सबके खून का एहतराम करने का हमें इस्लाम ने दर्स दिया है। सर, आपका क्या नाम है, क्या करना? मोहम्मद सखी खान, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया तंजीम उलमाए इस्लाम। अभी जो कश्मीर का माहौल है कैसा देख रहे हैं आप, इसमें खासतौर पर यूथ के लिहाज से अगर बात करें तो क्या सेंस देख रहे हैं? जो मेन पॉइंट है वो ये देखने का है कि इस वक्त युवा लोग जो हैं, जो तालीमी मयार को छोड़ के एक अलग सी राह पकड़े हुए हैं, अलग गलत रास्ता पकड़े हुए हैं, तो हमारा मिशन ये है कि वो लोग राह रास्ते पर रहें। कश्मीर एक तरह ये कश्मीर अगर बरोए जमीन अस्त हमी अस्त हमी अस्त, इकबाल ने कहा था कि अगर जन्नत का कोई टुकड़ा है तो वो कश्मीर ही है, तो कश्मीर को कश्मीर ही रहने दिया जाए। अल्लाह करे कि ये कश्मीर भी संवरे और जो सरकार मरकजी सरकार है वो इसको संवारने की कोशिश करे। और उलमाए किराम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कोशिशें करते हैं, हम लोगों का काम है अमन का पैगाम देना, मोहब्बतें सिखाना। अगर आपसे पूछे आप क्या नाम है, आपका कहाँ के रहने वाले? जी मुदस्सर कादरी, मैं पूंछ से हूँ। कैसा माहौल देखते हैं सर युवाओं में आप? कोई भी आलिम जो मदरसे से पूरा फारिग होने के बाद कोई ऐसा किसी इसी तंजीम से कोई हो, तो हमारा यही है कि हम इस आने वाली जो जनरेशन है उसको इसका पैगाम, और खास करके मैं ये भी कहूंगा जैसे दहशतगर्दी से बार बार इसको इस्लाम को जोड़ा जा रहा है, उसका कंसेप्ट मुफ्ती असलम साहब ने बड़े वाजे अल्फाज में उसका बताया है। और फिर हम तो ये कहेंगे जैसे अभी पिछले ही दिनों ये वसीम रजवी नाम से जो उसने ये बात कही दहशतगर्दी, तो उसको कहा जाता है। उस पर जाएंगे। पाकिस्तान जो भड़काने की कोशिश करता है यहाँ के युवाओं को, कैसे आप समझाएंगे यहाँ के युवाओं को कि वो उस भड़कावे में ना आए? देखिए सर, हम तो अपने कद की ही बात कर सकते हैं ना। अब पाकिस्तान क्या करता है क्या नहीं करता है, हिंदुस्तान, वो उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज है। हर एक आदमी को अपने इक्तदार की भूख है, वो किस तरह क्या करते हैं उसके बारे में हम माजर चाहे, हमें पूरी मालूमात नहीं। यहाँ की यूथ को आप कैसे समझाएंगे कि वो इस बहकावे में ना आए, वो ना भड़के? देखिए, हम यहाँ की यूथ को कुरान हदीस हमारे लिए एक आखिरी चीज है, अरफे आखिर है। हम कुरान हदीस से प्रूफ करके बताएंगे इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या होता है, मुसलमान को किस तरह से जिंदगी बसर करनी चाहिए, ये चीजें हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं राजौरी जिले से बिलोंग करता हूँ। तो देखिए, हमारा जो इस्लाम की तालीम है उसमें अपने वतन से मोहब्बत रखना, ये इस्लाम की अहम तालीम है।
اور ہم بھی اپنے نوجوانوں کو اپنے یوواؤں کو یہی تعلیم دیتے ہیں اپنی مساجد سے اپنے مدارس سے کہ اپنے وطن سے محبت رکھی جائے اور اپنے وطن میں جو ہے امن اور سلامتی کا جو بھی طریقہ کار ہے اس کو اپنایا جائے اور آج بھی یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارے چونکہ ہم مذہبی لوگ ہیں مذہب اسلام سے جڑے ہوئے ہیں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم جس طریقے سے بھی ہو عوام تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اپنا وطن جتنا بھی امن و سلامتی کے ساتھ یہاں رہا جائے گا تو سب اس میں سلامت رہیں گے چونکہ جموں کشمیر کے اپراجیپال منوج سنہا نے کہا کہ کچھ لوگوں نے اپنے سوارتھ کی خاطر اسلام کو لے کر بھرم پیدا کیے ہیں دھرم گرنتھوں کی غلط ویاخیا پر لگام لگانے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگیانتا کی وجہ سے کئی لوگوں نے اسلام کا جو سندیش ہے اسے توڑ مروڑ کر کے پرست کیا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا اس کا انٹرسٹ ہے کیونکہ میں کہوں گا تو بات دور تلک جائے گی اس لیے میں اس بات کو نہیں کہوں گا آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو آپ ضرور سوچیں مولانا وحید الدین خان کے علاوہ ایسے کئی مولوی اور خاتم ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے اسلامی گرنتھوں کو یا تو ٹھیک سے پڑھا نہیں یا چینت بھاگ کو ہی جان بوجھ کر کے لوگوں کو بتایا اور غلط ویاخیا کی صرف دھرم کی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری مانوتا کا پوری دنیا کا ان لوگوں نے نقصان کیا ہے اور اس نقصان کی بھرپائی کیسے ہو یہ وچار کا وشے ضرور ہونا چاہیے ہائی آئی ایم سربھی شرما خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریے ساتھ میں بیل آئکن ضرور دبائیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ